हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेजोन पे लेटर के बैलेंस को बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करें और वो भी आसानी से। उससे पहले जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज सबसे पहले 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं सबके लिए। अब चलते हैं आगे स्क्रीन की तरफ। स्क्रीन की तरफ आने के पहले सबसे पहले मैं अमेजोन की पे लेटर ओ अमेजोन पे आ गया हूँ। अमेजोन पे आने के बाद आपने जो बैलेंस है वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर आप कहोगे कि ये पहले का बैलेंस था या ट्रांसफ़र नहीं हुआ। मैं आपको लाइव ही जो इसका बैलेंस है वो ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा। अब मैं अमेजोन का जो पे बैलेंस है उस पर लेकर चलता हूँ आपको। जैसे ही मैं अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, अकाउंट पे क्लिक करने के बाद ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, आपको ज़्यादा उसमें फंडेबाजी या गोल्ड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें आसानी से जो आपका बैलेंस है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, सिर्फ 5 मिनट में अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो मेरा ऐड गिफ्ट क्रेडिट यूअर अमेजोन पे बैलेंस 5492 रुपये है। अब मैं ये 5492 रुपये ही आपको सारे यहाँ से ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा। उसके लिए हमारे को एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, एप्लीकेशन का नाम है एरोन पे UPI एंड बिल पेमेंट। ये आप देख सकते हैं जो उसकी रेटिंग है, वो उसकी रेटिंग आप देख सकते हैं 4.7 इसकी रेटिंग है। जो उसके डाउनलोडर है वो 100K+ डाउनलोडर है। और इसकी जो आप रेटिंग भी देख सकते हैं 5 स्टार में ही है, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको इसकी KYC करनी पड़ेगी। KYC करने के लिए आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना ज़रूरी है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, उसके बाद आपको ऐड वॉलेट पे क्लिक करना है। ऐड वॉलेट पे क्लिक करने के बाद मैं अपना बैलेंस चेक कर लेता हूँ कि मुझे कितना बैलेंस यहाँ से ट्रांसफ़र करना है। 5492 रुपये, मैं यहाँ से 5492 रुपये यहाँ पर लिख देता हूँ। ये मैंने 5492 रुपये यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मैं ऐड मनी पे क्लिक करूँगा। अब देखते हैं आगे का इंटरफेस क्या आएगा। ऐड मनी पे क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस तरह का इंटरफेस आने के बाद सबसे हम नीचे चले जाएंगे। नीचे जाने के बाद यहाँ लिखा हुआ आएगा वॉलेट, वॉलेट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वॉलेट पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन आ रहे हैं, एयरटेल मनी, जियो मनी, अमेजोन पे और EDCash। मैं अमेजोन पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे मैं इसको पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, सबसे पहले हमारे को एरोन वाले ऑप्शन में ही अपना बैलेंस ऐड करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा बैलेंस है यहाँ शो कर रहा है 5452 रुपये। यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्लाइड करना पड़ेगा 1 से 2 मिनट वेट करने के बाद, क्योंकि जो नेट की स्पीड है वो थोड़ी स्लो है। मैं यहाँ पे इसको एक से दो मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं 5492 रुपये यहाँ दिख रहे हैं, 5492 रुपये अमेजोन पे बैलेंस ही यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ। अभी 1 से 2 मिनट वेट कर लेते हैं क्योंकि जो नेट की स्पीड है वो थोड़ी स्लो है। एक से दो मिनट हमारे को वेट करना पड़ेगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी पर आपको पूरी तरह से मैं अप्लाई कर कर दिखा रहा हूँ, जो कि आपको उसमें समझ भी आ जाएगा। नेट की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो। पर जो यहाँ पे डाटा का एक्सिस है बहुत ज़्यादा लोड उठाता है। यहाँ पे हो गया, ये आ गया 5492 रुपये यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा अमेजोन पे। अब मैं जैसे इसको पे पे क्लिक करूँगा अब देखते हैं हमारे सामने किस तरह का इंटरफेस आएगा। जैसे मैंने इसको पे पे क्लिक किया अब ये मेरे को Gmail ID या मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। मैंने Gmail ID डाल दिया, कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ अब ये जो मेरे से मेरा पासवर्ड मांग रहा है, मैं यहाँ पे पासवर्ड फिल कर देता हूँ। पासवर्ड
पासवर्ड फिल करने के बाद मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ, अब मेरे पास एक ओटीपी आएगा। जैसे ही मैं सेंड ओटीपी पे क्लिक करता हूँ, हम देखते हैं कि जो हमारे पास ओटीपी है वो कौन सा आएगा। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही आपको समझ आएगा कि आप अमेजोन का जो वॉलेट का पैसा है वो अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं बहुत ही कम इंटरेस्ट पर। ये मेरे पे ओटीपी आ गया, मैं उसमें ओटीपी सबमिट कर देता हूँ। जैसे मैंने रिसेंट ओटीपी पे क्लिक किया, अब मेरे सामने एक ओटीपी आएगा। आ गया है ओटीपी, मैं इसको यहाँ पे सबमिट कर दिखा देता हूँ। OTP मैंने सबमिट कर दिया, मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, अब देखता हूँ कि जो मेरा अमेजोन का बैलेंस है वो एरोन वॉलेट में जाएगा या नहीं जाएगा। अभी 1 से 2 मिनट वेट कर लेते हैं। ये देख सकते हैं जो मेरी पेमेंट है वो पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। अभी आप देख सकते हैं पेमेंट अमाउंट 5492 रुपये जो एरोन वॉलेट है उसमें मेरे ऐड हो चुके हैं। अब वहाँ से मैं अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। मैं इसको डन पे क्लिक करता हूँ। डन पे क्लिक करने के बाद मैं एक बार फिर अमेजोन पे लेटर के वहाँ पे जाता हूँ। जैसे मैं अमेजोन के यहाँ पे जाता हूँ, ये आप देख सकते हैं 5492 रुपये मेरे दिख रहे हैं। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद मैं फिर से एक बार इसको चेक करता हूँ कि जो मेरा बैलेंस है यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं हुआ, और आपको भी यहाँ पर जो उसका बैलेंस है वो दिख जाएगा। ये आप देख सकते हैं अमेजोन पे बैलेंस यहाँ पे 0.50 पैसे दिखा रहा है। जो मेरा अमेजोन का बैलेंस है वो सारा एरोन जो वॉलेट है उसमें जा चुका है। एरोन वॉलेट में कैसे जा चुका है, अब मैं यहाँ पे सेंड मनी पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं सेंड मनी पे क्लिक करूँगा, मैं यहाँ से भी अपना जो अकाउंट नंबर से भी जो अपना बैलेंस है डाल सकता हूँ, और जो स्कैन UPI करके भी मैं इसको यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकता हूँ बहुत आसानी से। और अगर मेरी वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना कि आने वाले टाइम में मैं आपकी इससे भी ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ और जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुँच पाए। अब जो बैलेंस है वो मेरे इसमें ऐड हो चुका है। ऐड होने के बाद मैं इसको अब किसी भी टाइम यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं जैसे मैं स्कैन वाले ऑप्शन पर क्लिक करता, मेरे पे बारकोड नहीं है। मैं सेंड वाले ऑप्शन पर भी क्लिक करूँगा तो मैं अपना अकाउंट नंबर डालूंगा तो यहाँ पे जितना मेरा बैलेंस है वो यहाँ पे शो कर देगा और मैं उसको आसानी से यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। देख सकते हो जो मैंने इसमें पहले ऐड करे थे वो 1000 रुपये करे थे, उसके बाद मैंने 5492 रुपये सक्सेसफुली ऐड कर चुका हूँ। और अगर मेरी वीडियो से आपकी थोड़ी सी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।